नोएडा के सेक्टर 104 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात बदमाशों के द्वारा दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने जिम पर अपनी कार से घर लौट रहे सूरज भान नामक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सके। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। थाना 39 अंतर्गत सेक्टर 104 में एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज भान है, ये एनी टाइम फिटनेस जिम सेंटर है, वहाँ से जिम करके लौट रहा था। अपनी गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठा, कुछ लोगों के द्वारा जो है इस पर फायरिंग की गई, जिसमें तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुँची और इसको हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया गया, परंतु जो है इसकी दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल जो है वो बॉडी को कब्जे में लेकर के फॉरेंसिक की टीम और उसके अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है। साथ ही साथ जो है वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। इसमें 4 टीमों का गठन किया गया है और इसमें जो है वो तत्काल जो है वो अभियोग पंजीकृत करके और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।